नमस्कारः भो छात्राः अग्रिमं श्लोकं पठामः। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। पुनः एकवारं। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सः हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इदानीम् एतस्य अन्वयं पश्यामः। घटः क्रमशः जलबिन्दुनिपातेन पूर्यते सः हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य धनस्य च। इदानीम् एतस्य अर्थं पश्याम। किम् वदति? घटः क्रमशः। घड़े क्या होते हैं? क्रम से पूर्यते, भर जाते हैं। किससे? जल बिंदु निपातेन। जल के बिंदु, जल के गिरने से, एक एक बूंद के गिरने से, क्रमशः क्रम से गिरने से क्या होता है? घड़े भर जाते हैं। सह हेतु उसी प्रकार सर्व विद्यानां सभी विद्याओं के साथ धर्मस्य धनस्य और धर्म और धन के साथ भी होता है। जिस प्रकार जलबिंदु के क्रमशः क्रम से घड़े भर जाते हैं उसी प्रकार सभी विद्याओं के साथ भी है। इनकी क्षण क्षण से थोड़ी थोड़ी से हम क्या करते हैं? विद्या अर्जित करते हैं। थोड़ी थोड़ी से क्या करते हैं? धन अर्जित करते हैं। और इस तरह से हमारे पास विद्या की, धन के, धर्म का अर्जन हो जाता है क्रमशः क्रम से। कहने का तात्पर्य यह है क्या कि कोई भी काम हम जब करते हैं तो वो अचानक से नहीं होता, थोड़ी थोड़ी करके हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीख सीख करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे घड़ा एक एक बूंद से भरता है उसी प्रकार विद्या भी थोड़ी थोड़ी सीख करके हमारे पास अर्जित होता है, धन भी उसी प्रकार हमारे पास, धर्म भी उसी प्रकार अर्जित होता है। धन्यवाद।